ये जो पेन का प्रतीक मानवर कांशीराम साहब दिखा रहे हैं और प्रेरणा स्थल जैसे कि इसको कहा जाता है, प्रेरणा स्थल इसका नाम है, इस पेन का जो मानवर कांशीराम साहब दिखा रहे हैं, पेन का मतलब है ये जो एक पेन मेरे हाथ में है और मानवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि ये जो ढक्कन है इसको एक मनुवाद कहा जाता था, ब्राह्मणवाद कहा जाता, और ये जो अगर ढक्कन हटा दें तो ये जो बहुजन समाज का ये जो 85% कहा जाता है, अगर इस पेन को हम जेब के अंदर लगाते हैं, हाथ के अंदर लगते हैं तो 15% आगे दिखाई देता है और 85% नीचे दिखाई देता है, परंतु जो काम करता है वो 85% काम करता है और 15% फिर ऊपर आके बैठ जाता है। तो इस तरीके से मानवर कांशीराम साहब की जो सोच थी वो सोच ये थी कि ये खड़ी व्यवस्था को हम जो है पड़ी व्यवस्था कर दें, समतल कर दें, सभी एक सम्मान कर दें, तो ये पेन का प्रतीक ये है। और मानवर कांशीराम साहब की जो सोच थी कि सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, सभी को समान अधिकार के तहत ये जो संविधान बनाया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ये पेन को एक जो दर्शाया वो यही दर्शाया। और आगे हम चलते हैं, ये जो स्टैचू है ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है और शांत अवस्था के अंदर, और इसमें जो लिखा है कि श्लोक, मेरा जीवन संघर्ष ही है, मेरा संदेश है, कि इन्होंने जो संघर्ष किया था वो संघर्ष को ही उन्होंने संदेश बताया है और आम जनता के लिए, बहुजन समाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन संदेशों को पढ़ें, बाबा साहब की किताब को पढ़ें, बाबा साहब के संविधान को पढ़ें, जब ही आपका उद्धार होगा। राष्ट्राध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में जो फ्लैग आप दिखाई दे रहे हैं, ये बहुजन समाज पार्टी का सिंबल है हाथी। और इससे आगे हम जब चलते हैं, साइकिल पे वो महामानव हैं जिन्होंने अपने जीवन को पूरा संघर्ष में बनाया और साइकिल को ही उन्होंने चुना। साइकिल पे उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक यात्रा की, और एक ही यात्रा नहीं की, समाज को जगाने के लिए मानवर कांशीराम साहब ने साइकिल के माध्यम से सभी जनता को इकट्ठा किया और जगह जगह जाकर अपनी स्पीच रखी और बहुजन समाज को आगाह किया। उन्हीं के साथ में जो दूसरी साइकिल पे ये आम पब्लिक है, आम पब्लिक भी, और मानवर कांशीराम साहब का एक नारा था कि मैं तो अकेला ही चला और कारवा जुड़ता गया, क्योंकि मानवर कांशीराम साहब साइकिल पर अकेले चले, उन्होंने देखा कि एक महामानव समाज के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनके साथ और भी लोग साइकिल लेके उनके साथ जुड़ गए और साइकिल पर उन्होंने यात्रा करनी स्टार्ट करी और बहुजन समाज को जगाने का उन्हें बहुत अच्छा प्रयत्न किया। इस संग्रहालय के अंदर ये जो बहन जी की फ़ोटो लगी हुई है, नीचे एक हाथी का फ़ोटो है, ऊपर मानवर कांशीराम साहब का फ़ोटो है, और इस स्टैचू के अंदर लिखा है BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं दलितों की श्रेणी बहन कुमारी मायावती जी को हार्दिक नतमस्तक। और दूसरी तरफ हम आते हैं तो जो ये जो पूरा होर्डिंग लगा हुआ है, पूरा बैनर लगा हुआ है, और अन्नदाता एवं संस्थापक मानवर श्री कांशीराम जी पहली बार बनी मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी को फूलों का तोहफा भेंट करते हुए, अब नीचे की जो स्टैचू है जो बहन जी सिंगल खड़ी हुई हैं, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सुश्री मायावती जी दिनांक 15 मार्च 2010 को आयोजित कार्यक्रम में गंभीर मुद्रा में। अब ये जो हम दिखा रहे हैं इसमें बहुत सारे स्टैचू हैं, बहन जी का है, मानवर कांशीराम साहब का है, और गुलदस्ता देते हुए हैं, इस पर लिखा हुआ है दिनांक 2011 दिनांक 11/5/2007 को पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेने के बाद सुश्री मायावती जी का लखनऊ के बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र में स्वागत करते वे जीत की बधाई देते पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय पदाधिकारीगण। दूसरा फोटो हम जो दिखा रहे हैं वहाँ भी गुलदस्ता बहन जी ले रही हैं, माननीय बहन कुमारी मायावती जी 2002 में राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति श्री KR नारायण जी को फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हुए। उससे ऊपर बहन कुमारी मायावती जी शांत मुद्रा के अंदर बैठी हैं, और इसमें लिखा है दिनांक 14/1/2005 को बहुजन समाज पार्टी कार्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय पदाधिकारी के सम्मेलन में माननीय बहन कुमारी मायावती जी चिंतन मुद्रा में।
अगला मैं तीसरे पड़ाव पे जो तीसरा फोटो वो बैनर के अंदर लिखा है उस पर लिखा है 14/4/2003 को रैली स्थल जेल रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी माननीय कांसीराम जी के साथ एक विशाल महारैली को संबोधित करते हुए दूसरे स्टेचू में आ रहे हम तीसरे ही लाइन के अंदर दिनांक 15/1/2002 को 12 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड नई दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन पर माननीय श्री कांसीराम जी को केक खाते हुए और उससे नीचे हम फिर आते हैं सितंबर 1999 में उत्तर प्रदेश अकबरपुर सुरक्षित सीट लोकसभा सीट के लिए बीएसपी से नामांकन भर्ती बहन कुमारी मायावती जी साथ में हैं मानवर कांसीराम जी। अब चौथी लाइन में आते हैं दिनांक 27 अप्रैल 2010 को लखनऊ में आयोजित एवं प्रेस वार्ता में महत्वपूर्ण राजनीतिक घोषणा करती हुई माननीय मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी। उससे ऊपर दिनांक 11 दिसंबर 2002 को सुल्तानपुर जिले उत्तर प्रदेश में रैली को संबोधित करती हुई माननीय सुश्री मायावती जी। इससे ऊपर दिनांक 15/1/2002 को 12 गुरुद्वारा रोड नई दिल्ली में माननीय बहन कुमारी मायावती जी अपने जन्मदिन पर मानवर कांसीराम जी को के साथ चाय पीते हुए। अगले में ऊपर से दिनांक 21/3/1997 को माननीय बहन कुमारी मायावती जी एनेक्सी भवन लखनऊ उत्तर प्रदेश स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने पर कार्यभार ग्रहण करते हुए। अब हम नीचे आते हैं जो इसे फोटो में दिखाया है पूरी विधानसभा का फोटो दिखाया है सभी विधायक सभी मंत्री सभी बैठे हुए हैं उसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदन नेता के रूप में प्रतिपक्ष को करारा जवाब देती हुई माननीय कुमारी माननीय मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी। नीचे के स्टेचू में आप देख रहे हैं प्लेट के अंदर खाना है उन बहन कुमारी मायावती जी और मानवर कांसीराम साहब खाना खाते हुए दिनांक 15/1/2002 को 12 गुरुद्वारा रोड नई दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में माननीय बहन कुमारी मायावती जी अपने जन्मदिन पर मानवर श्री कांसीराम साहब के साथ भोजन करते हुए। और ये जो लास्ट रो है लास्ट रो के अंदर हम दिखाने जा रहे हैं कि दिनांक 15/3/2002 को C1/11 हुमायूं रोड नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर मानवर माननीय बहन कुमारी मायावती जी मानवर श्री कांसीराम जी को उनके जन्मदिन पर केक खिलाते हुए। ऊपर का स्टेचू दिनांक 25/6/1998 नई दिल्ली के कंस्टिट्यूशन क्लब में आयोजित एक समारोह में कुमारी मायावती जी को राजश्री साहू पुरस्कार से सम्मानित करते हुए कोल्हापुर के महापौर शिवाजी राव जी कदम साथ में मानवर श्री कांसीराम जी। ऊपर वाला फोटो दिनांक 15/1/1994 को माननीय बहन कुमारी मायावती जी अपने जन्मदिन के मौके पर C1/11 हुमायूं रोड नई दिल्ली स्थित आवास पर। ये जो पूरा आपने ये जो एक बैनर देखा एक जड़ा हुआ एक कलाकीर्ति देखी जो कलाओं ने लिखा है और लास्ट में जो एक नीचे एक श्लोक लिखा हुआ है इस पर लिखा हुआ है बाम से DS4 व BSP के जन्मदाता तथा उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती जी के साथ उनके संघर्ष में जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण क्षण।
अभी हमने यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी होर्डिंग लगे हुए हैं उसमें बहुजन समाज को प्रेरणा देने के लिए ये होर्डिंग लगाए हुए हैं। जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो अंदर प्रवेश हम करेंगे तो देखने में लगेगा कि जो यहाँ अंदर हम जब प्रवेश कर रहे हैं बहुत ही अच्छे सुंदर यहाँ पर जो स्टेचू लगा रखे हैं, और मैं जब हम अंदर घुसेंगे तो हम पहले हम यही देखेंगे कि जो सुंदरता है, और ये मैं दिखाने जा रहा हूँ जो पत्थर है, इस पत्थर के अंदर से हम साफ देख सकते हैं कि हमारी शक्ल भी अच्छी दिखाई दे रही है। पत्थर बहुत सुंदर लगा हुआ है। आए जब हम गेट के अंदर जब घुसे तो पत्थर देखा बहुत सुंदर है, और हम जब इधर सीधे हाथ की तरफ देखते हैं तो ऊपर एक शीशे के अंदर जो जड़ित बहन कुमारी मायावती जी की फ़ोटो है, उसके नीचे आते हैं हम तो यहाँ बहन कुमारी मायावती जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, माननीय कांशीराम जी। अब हम थोड़ा नीचे उतर के आते हैं तो जो तीन फोटो दिखा रखे हैं उसमें एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी की माता जी हैं, दूसरी तरफ उनके पिताजी हैं, और इस स्टेचू पे जो लिखा है कि लखनऊ स्थापित बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र में अपने माता पिता के साथ में।